सर लगातार मीडिया में दिखाया जा रहा है कि जो बहन कुमारी मायावती हैं, जिनको बहुजनों का हितेशी बताया जाता है, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि आजकल वो बीजेपी के समर्थन में नज़र आती हैं, बीजेपी का विरोध नहीं करती हैं और बीजेपी की कहीं ना कहीं सूत्रधार बनी हुई हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकती हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लगातार बहुजन समाज की बात करते हैं और बहन जी के पक्ष की बात करते हैं, इसलिए ये सवाल आपसे बनता है। देखिए, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, ये सब नालायक हैं और इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूँ मेरी समझ में नहीं आता। ये जो है देश के गद्दार हैं और ये सब बिके हुए लोग हैं और इनका कोई धर्म ईमान नाम की इनके अंदर कोई चीज़ नहीं है। ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अनएथिकल हो गए हैं, ये खास करके जो मीडिया का प्रोफेशन है इसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती ने आज तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो बीजेपी का फेवर कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी जलेबी बनाते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने नवभारत टाइम्स में एक खबर पढ़ी थी, उसमें बड़े बड़े हेडिंग में लिखा था कि मायावती ब्राह्मणों की तरफ झुकाव, और उसमें दिया है कि अब जात वाइज भाईचारा कमेटी बना रही है बहुजन समाज पार्टी। तो उसे को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि मायावती ने अब शुरू किया है, लेकिन ये जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है भाईचारा कमेटी तब से बनती रही हैं, और हर जाति के हिसाब से ब्राह्मण की भी हैं, बनिया की भी हैं, ठाकुर की भी हैं, ओबीसी के हर बिरादरी की हैं, ये भाईचारा कमेटी शुरू से बनती रही हैं। लेकिन मीडिया अब ऐसे दिखा रहा है कि अब मायावती की मजबूरी है, मायावती ब्राह्मणों को ले रही है, जिससे कि ये पहले से मालूम है कि दलित वोटर जो बुद्धिजीवी है इस बात को बहुत दुष्प्रचार कर रहा है कि मायावती ब्राह्मणों की गोद में बैठ गई है, सतीश मिश्रा ने मायावती पर कब्जा कर रखा है। इस चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए अभी खासकर 2022 में यूपी में इलेक्शन है, तो इन्होंने अभी से मुहिम शुरू कर दी है। बहुत सारे वीडियो भी हम देख रहे हैं यूट्यूब पर इस तरीके के, वो बकवास कर रहे हैं कि मायावती ने ये किया बीजेपी के साथ, मायावती डर गई है। मायावती कहीं डरने वाली नहीं है। मैं एसएम न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मायावती आयरन लेडी है, शेरनी है, जो किसी से डरने घबराने वाली बात नहीं है। बीजेपी क्या, बीजेपी का बात भी आ जाए, कोई डर नहीं है मायावती को। ये सिर्फ मीडिया इस चीज़ की तरह को उछाल रहा है, ये सिर्फ जलेबी बना रहा है ताकि मुस्लिम वोटर बीएसपी के साथ में ना आए, और कोई इनकी मंशा नहीं है। और इसके लिए मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं एसएम न्यूज़ के माध्यम से कि इन पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। साहब कांशीराम इस बात को कहते कहते चले गए कि ये मीडिया हमारा नहीं है, मीडिया हमेशा सवर्णों का, जो अभी गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो सामंतशाही व्यवस्था है उसके साथ है, उसको मजबूत करने के लिए लगा रहा है, उसको मजबूत करने के लिए हर किसी तरीके की गुमराह लोगों को कर रहा है और ये करेगा। अभी चुनाव से जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहेगा, 20-20 साल की 25-25 साल पुरानी बातें ये दोबारा उखाड़ करके लाएंगे। जैसे साहब कांशीराम ने कहा था कि मंदिर की जगह तो लैट्रिन बनवाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, मायावती वहाँ 2002 में वहाँ गुजरात में क्यों चली गई थी, तो जो 20-20 साल की चीज़ें हैं उनकी कोई रिलेवेंसी नहीं है आज की तारीख में, लेकिन मीडिया उनको दोबारा ला करके वोटर को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है और करता रहेगा। इसलिए ये जो मीडिया है ये सब बिका हुआ और अनएथिकल काम कर रहा है, जिन्हें करना चाहिए जो काम मीडिया का सही माने में उसको कतई नहीं कर रहा, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जो सरासर गलत है, अनएथिकल है, मीडिया के जो प्रिंसिपल हैं, जो नियम हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। ये सब देशद्रोही हैं, मेरे हिसाब से अगर बात करें तो ये सब देशद्रोही हैं, इन पर देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए, मानहानि के मुकदमे चलने चाहिए। बहुत सवाल देखने में आता है जैसे आपने अभी बताया, लेकिन बहुत सारी क्लियरेंस भी करती है मीडिया की, अब बहुजन समाज जो पार्टी थी वो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की है वो एजेंट बन गई है बहन कुमारी मायावती, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल एजेंट नहीं बन गई, ये सब आप जैसे सवाल पूछ रहे हैं ये सब सवाल मीडिया के लोग पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, और समाज में ऐसे गद्दार बहुत हैं बहुजन समाज के भी जो कि किंतु परंतु करते रहते हैं, और ऐसा आज तक नहीं है। आपको उदाहरण में बताऊं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के समर्थन में 3 बार सरकार बनी, 3 बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बने, पहले 4 महीने, फिर 6 महीने, फिर 1.5 साल। अगर बहन जी चाहती
इससे समझौता करना चाहती हैं बीजेपी से और खास करके विचारधारा से, तो 5-5 साल लगातार मुख्यमंत्री रह सकती थी, लेकिन उन्होंने विचारधारा से समझौता नहीं किया। जब बीजेपी हावी होने लगी तो सरकार खुद ठोकर मार दी 3 बार, ये इतिहास गवाह है इस बात का। तो बहन जी, ब्राह्मणवाद के चक्कर में कभी नहीं आएंगे, साहब कभी नहीं आए, बाबा साहब कभी नहीं आए, उसी तरीके से बहन जी भी बाबा साहब और साहब कांशीराम के रास्ते पर चल रही हैं। तो कभी भी किसी की बहकावे में, किसी के लालच में, किसी के डर में आने वाली नहीं है। वो केवल और केवल बहुजन समाज के लिए चिंतित हैं, बहुजन समाज की विचारधारा जो महापुरुषों की है। समाज की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज 85% बोला जाता है, क्या 85% हमेशा देखता है कि बहन कुमारी मायावती देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? तो किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे जिस तरीके से अब जनाधार लगातार बसपा का वोट बैंक कम होता जा रहा है? ऐसा नहीं है, बनने के सिर्फ समझने की बात है, क्योंकि जो अभी आपने बात की, ये मीडिया जो दुष्प्रचार करता है, और आजकल का पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अफवाहें और दुष्प्रचार किया जा रहा है, उससे बड़े पैमाने पर लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं, और ख़ास करके जो पिछड़े समाज के लोग हैं। पिछड़े समाज के लोगों को अपना इतिहास नहीं पता, अपने पिछड़ेपन का कारण नहीं पता, और जिस दिन ये कारण पता लग जाएगा, जिस दिन समझ में आ जाएगा, वोट की कीमत समझ में आ जाएगी, उस दिन सरकार बन जाएगी। 85% में से सिर्फ 40% चाहिए, 40% जिस दिन लोग आ जाएंगे SC ST OBC माइनॉरिटी के, उस दिन बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन जाएंगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 2022 के इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं, तो क्या लगता है जिस हिसाब से देश के हालात चल रहे हैं और झुकाव जो है मुस्लिम समाज का माइनॉरिटी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बसपा की तरफ नज़र आता है, तो क्या अगर इनका हमें सपोर्टिंग मिल पाएगा बहुजन समाज को, तो क्या बसपा की सरकार बन पाएगी? बिल्कुल, देखिए जो हालात चल रहे हैं, खास करके आज देश क्या कहना चाहिए, देश राष्ट्र राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के नाम पे जो हालात चलाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है वो देशद्रोही है, और जो हालात इस तरीके से हो रहे हैं और उस तरीके से जो माइनॉरिटी के लोग जो परेशान हैं, जो दलित समाज के लोग परेशान सब जगह हो रहे हैं, चाहे NRC हो, किसी हो, तो ये हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठे होना मजबूरी हो जाएगी, और अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर इनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। इसलिए SM न्यूज के माध्यम से मैं ये बताना भी चाहता हूँ माइनॉरिटी को और SC ST OBC के लोगों को कि समय बहुत ख़राब आने वाला है, अगर नींद से नहीं जागे तो फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। क्या कारण है जिसे 85% बोला जाता है उसके बावजूद भी उनकी सरकार नहीं है? 85% लोग गुमराह है, उनकी समझ में नहीं आता, ये शुरू से गुमराह रहा है, आज भी गुमराह है, छोटी छोटी बातों पे गुमराह हो जाता है, अपने नेता में विश्वास नहीं करते, किंतु परंतु करते रहते हैं, और जब तक नेता में विश्वास नहीं करेंगे, हमारी जो दुख दर्द है, जो तकलीफ है, वो दूर होने वाली नहीं है। इसलिए नेता में और नेतृत्व में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी पार्टी, बहुत सारे संगठन बन गए हैं जिसकी वजह से डाइवर्जन भी होता है, तो क्या करे बहुजन समाज अपनी सत्ता में आने के लिए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? ये सब संगठन जो है ये बनाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं सभी मनवादी लोगों से संचालित होते हैं। कहने को तो ये बहुजन समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बाबा साहब के नाम पे बने हैं, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं दलाल और गद्दार लोग हैं जो कि संगठन बना करके इस शक्ति को कम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। ये बिके हुए लोग होते हैं, इनको बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं होता, बाबा साहब के नाम पे संगठन बना करके ये दूसरी पार्टियों से पैसा लेते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें ऐसे फर्जी और नकली संगठन और नकली नेताओं के साथ आजकल खास करके जो पैदा हो रहे हैं, इससे बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। मीडिया की आप लगातार बात कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं, पर मीडिया में तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। मीडिया में सब कुछ दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा नहीं दिखाई देता तो भाई मूर्ख हैं जिन्हें ये नहीं दिखाई देता। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे मीडिया को, टीवी को, अखबार से ध्यान से पढ़ेंगे तो सब चीज़ क्लियर है कि ये किंतु परंतु ये मीडिया के लोग फालतू के सवाल करके असलियत और सच्चाई ये नहीं दिखाते। ये बिना मतलब की अपनी जलेबी बना करके बना देते हैं कि मायावती पे प्रेशर है। मायावती पे कहाँ प्रेशर है, किस चीज़ का प्रेशर है? जब प्रेशर था मायावती तब नहीं डरी, तो आज तो कोई प्रेशर है नहीं। उस समय बीजेपी ने इतना प्रेशर बनाया था, ताज कॉरिडोर, ये और वो और वो, तब मायावती नहीं घबराई थी, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सब इनका क्रिएशन है, और ये
दोषी है मीडिया में बताऊं, ये मीडिया का जो एक चरित्र होता है वो चाल चरित्र चेहरा मीडिया का बदल गया है। समाज के लोग अधिकांश बोलते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने आखिरकार क्या किया है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि बहन जी के जो कार्यकाल का शासन था उन्होंने ऐसा क्या करा था जो बहुजन समाज के लोग उनको वोट दें। देखिए ये बहुत लंबी लिस्ट है, अभी हम इतने टाइम पे नहीं बना सकते, फिर किसी दिन आप टाइम देंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, उसको बताने के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए कि कितने उन्होंने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज हॉस्पिटल बनाए, कितनी इन्होंने नौकरी दी, कितना इन्होंने, और सबसे जो मुख्य काम हुआ है किसी को पर्सनल बेनिफिट मिला या नहीं मिला, कि बहुजन समाज के लोगों का जो एक मनोबल बढ़ा है उसकी कोई कीमत नहीं है। आज की तारीख में एक मजदूर से मजदूर फटेहाल भी अपनी मजबूती के साथ किसी के साथ भी बात कर सकता है, सिर उठा करके चल सकता है, तो ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। और जो स्कूल मेडिकल कॉलेज और दुनिया भर के ये बनाए इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, और जो बहुजन समाज का इतिहास जिसको समाप्त कर दिया था इस मनुवादी व्यवस्था ने, वो सम्राट अशोक के बाद बहन कुमारी मायावती ने वो काम किया है कि जो 3000 साल के बाद हुआ है उस खोए हुए इतिहास को खड़ा कर दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया है, और जब मौका मिलेगा तो पूरे देश में उस इतिहास को खड़ा किया जाएगा जिससे हमारा मनोबल ऊंचा बढ़ता है, ये हमारे गौरव के प्रतीक हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।